नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि सैमसंग के मोबाइल में आप मैसेज को डिलीट करते हैं तो पूरी तरह से डिलीट नहीं होता है, दूसरे जगह के वो सेव हो जाता है। तो वहां से भी कैसे डिलीट करेंगे, चाहे पता कैसे करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम मैसेज को ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएंगे। जैसे ओपन हो जाएंगे फिर ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे और आने के बाद जैसे कि यही वाला मैसेज हम डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते उमेश गुप्ता, तो उमेश गुप्ता वाले पे हम क्लिक करेंगे, डिलीट तक दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम जैसे इसको भी डिलीट करना है अच्छे लाल वाला को, तो इसको भी हम क्लिक कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं, जैसे डिलीट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हम कर दिए हैं। जैसे डिलीट कर देंगे तो आप देख सकते हैं डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ है। इसको चेक करने के लिए रिसाइकिल बिन में चला जाता है, तो यहाँ देख रिसाइकिल बिन में जाने के लिए यहाँ देख थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यानी तीन बिंदु कोने में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रिसाइकिल बिन का ऑप्शन दिया है, तो रिसाइकिल बिन वाले पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वो जो मैसेज डिलीट किए थे यहाँ से यहाँ पे भी फिलहाल में है। तो इसको फिर डिलीट करने के लिए रिसाइकिल बिन पर टोटल मैसेज डिलीट करने के लिए इस पर हम डिलीट तक होल्ड करेंगे, जिसको जिसको फिर यहाँ से रिसाइकिल बिन से आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उस पर इस तरह क्लिक करेंगे। उस पर यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी डिलीट फिर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से सैमसंग मोबाइल में मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी तरह से इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।